रामनवमी से बिहार में बवाल जारी है, हिंसा को लेकर सियासी शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच सासाराम हिंसा मामले में बिहार डीजीपी ने तस्वीर साफ कर दी है। बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। राज्य के डीजीपी आरएस भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य के हालात के बारे में ताजा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। हिंसा में 109 लोग शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ने कहा कि सासाराम में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जख्मी होने वाले ही बम बना रहे थे। ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने इस संबंध में साक्ष्य भी जुटाए हैं जो कि अपराधियों की साजिश की तस्दीक करते हैं। बिहार के डीजीपी ने कहा कि घायलों के ठीक होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है। सासाराम के शेरगंज में जिस घर में ब्लास्ट हुआ था वहां से एफएसएल की टीम ने एक्सप्लोसिव बरामद किया है। इसके अलावा एफएसएल को वहां से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ था। इतना ही नहीं, टीम को वहां से शार्पनर भी मिले हैं। सूत्रों की माने तो जिस घर में ब्लास्ट हुआ वहां बम तैयार किए जा रहे थे, लेकिन उसे तैयार करने का मकसद क्या था उसकी जांच अभी जारी है। जिस घर में ब्लास्ट हुआ था वहां 6 लोग मौजूद थे जो घायल हो गए थे। इन सब के बीच बिहार में हिंसा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 कंपनियां रवाना की गई हैं। विपक्ष, पुलिस प्रशासन और नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन बिहार के मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, शनिवार रात सासाराम के शेरगंज इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर बम धमाका हुआ था और बिहार शरीफ से भी हिंसा की खबरें आई थी, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी महागठबंधन सरकार पर हमलावर है।